जब उन्हें अलविदा किया जाएगा तो सब कुछ इसी तरह से दुधिया रंग में नहाया होगा, क्योंकि यही तो श्रीदेवी की आखिरी इच्छा थी। देश उन्हें नम आंखों से विदा करेगा, मगर अब भी उनका पार्थिव शरीर दुबई में है, जहां उनका पोस्टमार्टम हुआ है। तमाम जानकारी सामने उभर कर आएगी, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि दोपहर बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत पहुंचेगा। उनके पार्थिव शरीर को अनिल अंबानी की एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाया जा रहा है। उन्हें देश का पहली लेडी सुपरस्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता था, और आज उनका हमारे बीच ना होना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उनकी एक्टिंग न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का सबब रहती थी। सबसे पहले इस घटनाक्रम की बड़ी बातें। दोपहर बाद मुंबई पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर, दुबई से रवाना होगा उनका पार्थिव शरीर। दुबई में शव सौंपने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी ना होने की वजह से यह देरी हो रही है। अनिल अंबानी की चार्टर्ड प्लेन से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनके शव को लाने में देरी क्यों हो रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दुबई प्रशासन को श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी करना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब तक सार्वजनिक नहीं है, इसी डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह का भी जिक्र होगा। डेथ सर्टिफिकेट के बाद पार्थिव शरीर का लेपन किया जाएगा, जिसे एम्बामिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। भारतीय दूतावास श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द करेगा, क्योंकि अब श्रीदेवी जीवित नहीं है। भारतीय दूतावास शव को मुंबई लाने के लिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लाया जाएगा। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, कस्टम्स, ये तमाम औपचारिकताओं से होते हुए फिर शव मुंबई लाने की तैयारी होगी। और देखिए, इन सबको ये तमाम जो प्रक्रिया है उसे कम से कम 3 घंटे लग सकते हैं, और भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे ये पार्थिव शरीर लेकर चार्टर्ड प्लेन से रवाना होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज दोपहर 3 बजे के बाद ही पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच सकता है। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, जानकारी यह है कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई में दोपहर को करीब 3:30 बजे आने की उम्मीद है। जिस तरह से वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई है दुबई में जो होनी थी, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। एक तो डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है दुबई के प्रशासन की ओर से, इसके अलावा दुबई पुलिस को NOC भी जारी करना है कि हमने अपनी प्राथमिक जांच कर ली है और उस जांच में कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया है। तो ये जब तमाम रिपोर्ट जारी की जाएंगी, उसके बाद कस्टम्स और इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। उसके बाद में जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि प्राथमिक जांच में कोई फाउल प्ले नहीं है, ये आप स्पष्ट कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसा NOC, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फाउल प्ले नहीं है। मैंने ये कहा कि फाउल प्ले नहीं है, इस बात से जब वहां की पुलिस संतुष्ट हो जाएगी तब वो NOC देगी, और उस NOC के आधार पर ही शव को रिलीज किया जाएगा, शव को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा, और उसके बाद उस शव को विशेष विमान के जरिए मुंबई लाया जाएगा। मुंबई आने के बाद में भी प्रक्रिया होगी कस्टम्स की, इमिग्रेशन की, और उसके बाद शव को जो है हवाई अड्डे से बाहर लाया जाएगा, और पहले उनके घर पर, जैसी कि अभी जानकारी मिल रही है कि उनके घर पर ले जाया जाएगा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में, फिर इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वर्सोवा इलाके में, यहां पर भाग्या नाम का एक बंगला जो है उसको रिजर्व किया गया है, यहां पर उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, पूरे बंगले को सजाया गया है सफेद कपड़ों से, और उसके बाद यहां से कुछ किलोमीटर के फासले पर ही सांताक्रूज वेस्ट का जो शमशान है वहां पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आज शाम तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।